नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। जन्मदिन पर मायावती का ऐलान, अकेले लड़ेंगी बीएसपी, आगामी चुनावों में नहीं होगा किसी से दल गठबंधन। शातिर बांग्लादेशी लखनऊ से गिरफ्तार, फ्लाइट और एक क्लास ट्रेन में सफर कर डालता था डकैती। मकर संक्रांति पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान, हर हर गंगे से गूंज उठे गंगा के घाट। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस, एटीएस कमांडो व पीसीएस जवान तैनात। यूपी में 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 36 जिलों में कल कोहरे के अलर्ट, प्रदेश में बरेली सबसे ठंडा। औरैया में मकर संक्रांति पर विशेष कार्यक्रम, दिव्यांगजन को बांटे गए उपकरण। बदायूं में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की पहल, समाधान दिवस में सुनी जनता की फरियाद। गाजियाबाद में ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम, 500 महिलाओं को वितरित किया गया कंबल। गाजियाबाद में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला, ब्लैकमेल कर रहे थे दरिंदगी। गाजियाबाद में ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, लोगों को बेवकूफ बनाकर करते थे ठगी। गोंडा में ट्रेन से कटकर हुई युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में बीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच, सहारा मौदाहा टीम ने बनाए 131 रन। सिद्धार्थनगर में गरीब असहायों पर ठंड का कहर, करीब 200 गरीब असहायों में बांटे कंबल। अमरोहा में आगामी चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक, बैठक में मौजूद रहे कई भाजपा कार्यकर्ता। औरैया में सोशल मीडिया प्रभारी पहुंची अपने गांव, क्षेत्रीय जनता से की मुलाकात। बांदा में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 शराबियों ने किया दुष्कर्म। बुलंदशहर में पशु चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। संभल में बीजेपी की हुई बैठक, चुनाव को लेकर की गई चर्चा। औरैया में तेज रफ्तार कार नहर में पुलिया से टकराई, कार में सवार थे 4 लोग। औरैया में नहीं रुक रही चोरी की घटनाएं, बंद पड़े 2 मकानों में की गई चोरी।
औरैया में सड़क सुरक्षा के तहत निकाली गई जागरूकता रैली, यातायात पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। अयोध्या में रामनगरी में मकर संक्रांति का स्नान, श्रद्धालु लगा रहे सरयू में आस्था की डुबकी। बुलंदशहर में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, सिर में चोट लगने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में पेड़ पर लटका मिला 29 वर्षीय युवक का शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। फरीदाबाद में महिला का वीडियो हो रहा तेजी से वायरल, वीडियो में महिला के ऊपर गुजरती दिखी मालगाड़ी। हमीरपुर में सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकराई बाइक, ट्रॉली से टकराते ही बाइक सवार की हुई मौत। कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 16 श्रद्धालु हुए घायल, 7 की हालत गंभीर। कानपुर में दबंगों द्वारा पथराव, बमबाजी करने का मामला, पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को किया अरेस्ट। कानपुर में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक चौराहे पर पलटा, ट्रांसपोर्ट नगर में रामदेवी की तरफ जा रहा था ट्रक। मेरठ में एक बार फिर दिखा तेंदुआ, जागृति बिहार स्थित पुल के पास दिखा तेंदुआ। उन्नाव में ट्रक का ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा, ट्रक ड्राइवर व यूपी पोल से टकराया। मायावती जन्मदिन पर ब्लू बुक लॉन्च, कैलाश खेर ने गाए गाने में बसपा सुप्रीमो को बताया देवी बुद्ध का रूप। वाराणसी में रामचरितमानस पर विवादित बोल से भड़के संत, बिहार के शिक्षा मंत्री पर तंज, बोले देश बढ़ रहा। कासगंज में दीवार गिरने से भाई बहन की मौत, नींव भरते समय हादसा, मलबे में दबकर बेटी और पिता घायल, फरुखाबाद में भर्ती। गाजीपुर में सपाइयों ने मनाया सांसद डिंपल यादव का बर्थडे, सदर विधायक ने केक काट कर दी बधाई। गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। देवरिया नगर पालिका अध्यक्ष ने किया कंबल वितरण, जेपी ने बनाया विकास का नया कीर्तिमान। औरैया में मकानों और दीवारों में आई दरारें, कई मकानों की धसी फर्श। देवरिया में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक, बैठक में गिनाई गई सरकार की उपलब्धियां। अयोध्या में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध नशे के कारोबारी अभिषेक उपाध्याय को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में पति पत्नी के शव मिले, 3 महीने पहले हुई थी शादी, पत्नी की बॉडी बेड पर जबकि पति का शव फंदे पर लटका था। एसजीपीजीआई में फिर हुई नयाब सर्जरी, गले के कैंसर ट्यूमर को हटाया, युवती को मिल गया नया जीवन।
कानपुर शहर में दुधवा जैसा जंगल सफारी, पहले दिन सुनाई दी शेर की दहाड़, हिरण की भाग दौड़, अजगर की फुंकार। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी, ब्रह्म मुहूर्त में की पूजा, सवा महीने चलने वाला मेला शुरू। कपड़े वापस ना करने पर दुकानदार को पीटा, दो युवक डंडा लेकर दुकान में घुसे, बिना कुछ कहे मारे 13 डंडे। भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, अखिलेश को तो जेल आते जाते रहना पड़ेगा, उनके नेता जेल जाते रहते हैं, नहीं मिलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। उन्नाव में ईओ ने कर्मियों के साथ उड़ाई पतंग, घाटों की सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण, सूखा गीला कूड़ा अलग रखने की अपील की। नोएडा में 45 लाख की अवैध शराब बरामद, कंटेनर में छुपा कर अरुणाचल प्रदेश भेजी जा रही थी, पुलिस ने पकड़ा। फतेहपुर में पुलिस ने महिलाओं को बताए ट्रैफिक नियम, बोली जीवन अनमोल, वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का करें प्रयोग। औरैया में नहर कटने से 1000 बीघा फसल जगमग, घरों तक पानी घुसने से किसान परेशान। झांसी में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पूर्व प्रधान से रुपए को लेकर चल रहा था विवाद, भाई ने हत्या का लगाया आरोप। अमेठी में दो पक्षों में चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, दोनों पक्षों के 12 लोग घायल, क्रिकेट मैच के दौरान बच्चों में हुआ था विवाद। रायबरेली में सड़क हादसे में छात्रा की मौत, बाजार से सामान लेकर लौट रही थी घर, ट्रक ने साइकिल को मारी टक्कर। फिरोजाबाद पूर्व सांसद अक्षय यादव ने सपाइयों संघ की बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं संघ किया मंथन, बनाई रणनीति। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली चुराने वाला युवक गिरफ्तार, आरोपी बोला शहर में बेचते तो पकड़े जाते, इसलिए पंजाब में बेचते थे, 15 मुकदमे हैं दर्ज। बुलंदशहर में हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार, पशुओं के अवैध कटान का करता था काम, दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। गोंडा में 106 छात्राओं को वितरित किया स्मार्टफोन, पूर्व मंत्री और वर्तमान बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री ने किया वितरण। देवबंद में बेटे ने की मां की लात, घूसों से पिटाई, प्रॉपर्टी में अकेले चाहता है कब्जा, पुलिस ने शुरू की जांच। बलिया में NH31 पर हादसा, बाइक की ठोकर से महिला की मौत, गांव में छाया मातम। रामपुर में पुलिस ने बेगुनाह युवक को भेजा जेल, पीड़ित पिता ने कोर्ट में लगाई न्याय की गुहार, पुलिस टीम से रिपोर्ट तलब। औरैया में यातायात के प्रति लोगों को किया गया जागरूक, रैली निकाल कर नियम पालन करने के दिए निर्देश। बांदा में मायावती का जन्मदिन, जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे कार्यकर्ता। कानपुर में गौरक्षा वाहिनी के कार्यालय का उद्घाटन, 2015 में हुई थी संघ की स्थापना। रायबरेली में भूमाफियाओं पर चला प्रशासन का हंटर, 25 एकड़ जमीन कराई गई कब्जा मुक्त।
रायबरेली में डलमऊ गंगा घाट पर भक्तों का जनसैलाब, घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रायबरेली में ट्रक ने लड़की को रौंदा, लड़की की हुई मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। संभल में डग्गा मार बस डिवाइडर से टकराई, ओवरटेक के चक्कर में हुआ हादसा। शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 छात्र ठग को किया गिरफ्तार। शीतलहर के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद, अलीगढ़ डीएम ने 17 जनवरी तक छुट्टी का की दिया आदेश, 16 से होगी 9वीं से 12वीं तक की स्कूल। पनकी में कांस्टेबल ने पेट्रोल पंप पर की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट और लूट की वारदात, डीसीपी ने कांस्टेबल को किया सस्पेंड। बाराबंकी में पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, अवैध असलाह और कारतूस हुए बरामद, सीतापुर के रहने वाले हैं तीनों। गंगा में बना 3 किलोमीटर लंबा रेसिंग ट्रैक, काशी में पहली बार 12 टीमों की वोट रेस, हॉट एयर बैलून भी उड़ेंगे, विजेता को मिलेंगे 2.25 लाख। चित्रकूट में ठंड से किसान की मौत, खेत में पानी लगाते समय बिगड़ी थी हालत, लेखपाल और किसान कानून गो ने बनाई रिपोर्ट। झांसी में सड़क हादसे में सुपरवाइजर की मौत, ड्यूटी करके बाइक से घर लौट रहा था, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। गाजीपुर में ग्राम प्रधान ने बच्ची से की छेड़छाड़, 5 साल की मासूम को बहला फुसला कर ले गया पंचायत भवन, टॉफी का दिया था लालच। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।